अब बड़ी खबर की बात करें जो कि रायपुर से निकलकर सामने आ रही है। रायपुर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के लिए खरीदा गया नामांकन फॉर्म। शुभ मुहूर्त में खरीदा गया नामांकन फॉर्म। बता दें बृजमोहन अग्रवाल के अधिवक्ता पहुंचे नामांकन फॉर्म खरीदने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां रायपुर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के लिए नामांकन फॉर्म खरीदा गया। शुभ मुहूर्त में उनके लिए यह नामांकन फॉर्म खरीदा गया है। बृजमोहन अग्रवाल के अधिवक्ता उनका नामांकन फॉर्म खरीदने यहां पहुंचे हैं। देख रहे हैं जहां पर बृजमोहन अग्रवाल के लिए नामांकन फॉर्म खरीदने पहुंचे हैं यहां पर उनके अधिवक्ता। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रायपुर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी हैं बृजमोहन अग्रवाल, जिनके लिए नामांकन का फॉर्म आज खरीद लिया गया है। बता दें शुभ मुहूर्त को देखते हुए यह नामांकन फॉर्म खरीदा गया है। बृजमोहन अग्रवाल के अधिवक्ता यहां पर नामांकन फॉर्म खरीदने पहुंचे और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उनके अधिवक्ता यह नामांकन फॉर्म उनका खरीदने पहुंचे हैं। तो NH24/7 ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है जहां पर नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है रायपुर में, और रायपुर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के लिए भी नामांकन फॉर्म खरीद लिया गया है। शुभ मुहूर्त में यह नामांकन फॉर्म खरीदा गया है। बृजमोहन अग्रवाल के अधिवक्ता यहां पर नामांकन फॉर्म खरीदने पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए नामांकन एक मिनट रुकेंगे। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। देखा जा सकता है नामांकन लेने की जो शुरुआत है वो इस वक्त हो चुकी है। बृजमोहन अग्रवाल जी के लिए नामांकन लिया गया है। देखा जा सकता है श्री बृजमोहन अग्रवाल ₹10,000 और भारतीय जनता पार्टी के नाम से नामांकन लिया गया है। उनके अधिवक्ता जो है यहाँ पर नामांकन लेने पहुंचे। आपने शुभ मुहूर्त में नामांकन लिया है, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, शुभ मुहूर्त में नामांकन लिया है हमने। जीत की तो 100% का विश्वास है हमारे को। तो ये देखा जा सकता है बृजमोहन अग्रवाल के लिए नामांकन लिया गया और आधे घंटे के भीतर ही जो लगभग 10 प्रत्याशी हैं वो नामांकन ले चुके हैं। एक और यहाँ पर प्रत्याशी मौजूद है, उनके हाथ में हम देख पा रहे हैं कि नाम निर्देशन पत्र है, और ये देखा जा सकता है नाम निर्देशन पत्र। एक और, आप कहाँ से आए? मैं धरसीवा विधानसभा से हूँ। क्या नाम है आपका? मनोज वर्मा। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं नामांकन दाखिल करूंगा। अच्छा, किसी पार्टी से भी जुड़े थे कि सिर्फ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मैं वैसे तो मैं संघ RSS VHP से जुड़ा रहा, काफी समय मैं काम किया VHP में, और वहाँ पे टिकट सही लोगों को नहीं वितरण किया गया, बाहर से ला करके दिया गया, इसलिए मैं निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में वहाँ। कितना विश्वास है कि चुनाव प्रभावित कर पाएंगे? मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहाँ की जिस क्षेत्र की जनता जो है, जिस हिसाब से मैंने वहाँ मेहनत किया है, काम किया है, तो उनके बीच में काम किया, और इस बार निर्दलीय को ही वहाँ पर धरसीवा विधानसभा में जनता ने मन बना लिया है धरसीवा क्षेत्र के, कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी को ही। निर्दलीयों के साथ साथ राजनीतिक दलों के भी जो प्रत्याशी है वो भी यहाँ पर आकर अपना जो नामांकन फॉर्म ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बृजमोहन अग्रवाल ने यहां से नामांकन फॉर्म उनके लिए लिया गया। इसी तरह से कन्हैया अग्रवाल के लिए भी नामांकन फॉर्म लिया गया। देखा जा सकता है काउंटर बनाए गए दो अलग अलग, यहां पर जो रायपुर जिले की 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, धरसीवा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर पश्चिम, रायपुर उत्तर, रायपुर दक्षिण, आरंग और अभनपुर, यहां के जो प्रत्याशी हैं वो इन स्थानों से नामांकन ले सकेंगे। और ये जरूर लोकतंत्र के लिए खुशी की बात है, लोकतंत्र के महापर्व के लिए खुशी की बात है कि आधे घंटे के भीतर ही 10 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन फॉर्म यहां से लिया है और अभी से दाखिल करने की शुरुआत भी हो जाएगी। कैमरामैन मलकीत सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, NH24/7 रायपुर।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रायपुर दक्षिण में बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के लिए नामांकन फॉर्म खरीदा गया है। शुभ मुहूर्त में यह नामांकन फॉर्म खरीदा गया। आपको बता दें बृजमोहन अग्रवाल के अधिवक्ता यहां पर नामांकन फॉर्म खरीदने पहुंचे हैं। रायपुर में आधे घंटे के भीतर 10 प्रत्याशियों ने यहां पर नामांकन फॉर्म खरीद लिया है। रायपुर दक्षिण से कन्हैया अग्रवाल ने भी फॉर्म खरीदा है।